नमस्ते। आज हम वीडियो करने वाले हैं हिंदी के, जो संयुक्त हिंदी की किताब है 10वीं कक्षा की, लोकवाणी। इस पुस्तक में, इस किताब में जो पहला काव्य पाठ है सोंधी सुगंध, डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा अचूक यह इस काव्य पाठ के कवि है। इनके बहुत तरह के काव्य पाठ हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं, जैसे इधर दिया है गीत है, गजल है, भिन्न भिन्न तरह की कविताएं हैं, दोहे हैं, और बाल गीत और बाल कहानियां हैं। तो ऐसे बहुविध साहित्य कृतियों का निर्माण आपने किया है, और यह जो इनका गीत संग्रह है नदी उफान भरे, इस संग्रह में यह सोंधी सुगंध यह कविता, तो जैसा एक काव्य पाठ है तो हमें इसकी जयता का अनुभव करना है। इस पद्य में कवि ने वर्षा ऋतु मतलब बारिश का वर्णन किया है। तो वर्षा ऋतु में बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। वो कैसे कैसे बदलती हैं, इसकी कहानी माटी से सुगंध बोल रही है। तो जैसा कि आपको मालूम है, माटी यह अचल है, माटी यहां से वहां जा नहीं सकती, लेकिन सुगंध जो है यह इधर उधर भटक के आती है, पवन के साथ सुगंध बहती है। इसलिए सुगंध को किधर क्या हो रहा है इसका ज्ञान है। इसलिए कवि इसका आधार होते हुए ऐसी कल्पना करते हैं कि यह सुगंध माटी से, उसने जो कुछ देखा वो बयां कर रही है, बोल रही है। तो यह सुगंध माटी से क्या बोलती है, यह माटी सुन रही है और उस माटी के साथ हम भी वह सुन रहे हैं, और हमारे मन में हम भी उसकी कल्पना कर रहे हैं। इस कविता को गेय बनाने का, इस कविता को जी भर के गाने का मैंने प्रयास किया है। आप में से कोई लोग शायद मेरे से अच्छा यह कविता गा सकेंगे, फिर भी मैं मेरा प्रयास प्रस्तुत कर रहा हूँ। जब जब हम काव्य पाठ पढ़ते हैं तब तब याद रखना, उस काव्य को अगर हम गीत में बदल दे तो बड़ा अच्छा अनुभव होता है। तो चलो प्रयास करेंगे। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया, बादल बरस गया, धरती ने आंखें खोली। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, चारों ओर हुई हरियाली, चारों ओर हुई हरियाली, कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है, सदियों का जो सपना है, हो जाए पूरा।
एक यहाँ पर नहीं अकेला, एक यहाँ पर नहीं अकेला, होगी टोली सोंधी सोंधी सी सुगन माटी से बोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। बादल बरस गया, बादल बरस गया, धरती ने आंखें खोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। मयूर इसका मतलब है मोर। यह मोर जो होता है वो सोच क्या रहा है, देख क्या रहा है। यह सुगंध बोलती है माटी से। तो मयूर, ये जो मयूर है, ये जो मोर है, वो देख रहा है चारों ओर हरियाली है। तो हरियाली है मतलब इस हरियाली में भिन्न भिन्न तरह के कीटक आ जाएंगे, सर्प आ जाएंगे। ये सर्प, ये कीटक, ये तो मयूर का खाद्य होता है, तो उसे बहुत खाने को मिलेगा। और जैसे खाने को मिलेगा वैसे ही उस मयूर का यह ब्रीडिंग सीजन है। यह कवि ने कहा है कि मयूर सोच रहा है कि अभी मैं अकेला नहीं रहूंगा, मेरी टोली हो जाएगी। क्योंकि ये ऐसा वो क्यों सोच रहा है, बायोलॉजिकल ट्रूथ क्या है इसमें, कि ये उसका ब्रीडिंग सीजन है। तो इसलिए मयूर सोच रहा है कि मैं एक नहीं अकेला हूं, मैंने बहुत सालों से सपना देखा है एक टोली बनाने का। तो अभी बारिश आ गई है तो मेरा ये सपना पूरा होगा। तो ये जो सदियों का सपना क्या है मयूर का, अपनी टोली होगी, ऐसा मयूर का एक सदियों का सपना है। और यह सपना कब पूरा होने वाला है, तो उसके ब्रीडिंग सीजन में। उसका ब्रीडिंग सीजन कौन सा है, वर्षा ऋतु है, बारिश का मौसम है। तो बारिश के मौसम में यह मयूरा ऐसा सोच रहा है, ऐसा सुगन ने माटी से कहा है। आगे जाएंगे। बाग बगीचे ताल तलैया, बाग बगीचे ताल तलैया, सब मुस्काए, झूम झूम कर मस्ती में, झूम झूम कर मस्ती में, तरु गीत सुनाए। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। तो उसमें अभी इसमें क्या है कि ये सुगंध और परिवर्तन बयां कर रही है, बोल रही है कि बाग बगीचे जो है उसमें सब हरियाली भर रही है, मानो कि वह मुस्काए, वह हंसे जा रहे हैं, हंस रहे हैं बाग बगीचे, छोटे छोटे तालाब झरने, ये जो वाटर बॉडीज है वो भी भर गए हैं, इसलिए वो भी हंस रही है। और इस मस्ती में जो पवन है, जो समीर है, जो जो हवा बहती है, ये भी पेड़ के मतलब तरुओं के पत्तों में साए साए आवाज करके हवा बह रही है। जैसे तरु, जैसे ये पेड़ गीत सुना रहे हैं, ऐसा
कवि ने माना है। और ये जो पवन है ये बहुत सारी चीजें उठा रहा है, कहाँ कहाँ से बहुत सारी चीजें उठाकर यहाँ से वहाँ ले जा रहा है पवन। तो इसलिए इसका ये पवन ने जैसी उसकी झोली खोल ली है, इस झोली में वह ना जाने क्या क्या चीजें रख रहा है और ले जा रहा है यहाँ से वहाँ, ऐसा कवि ने कहा है। तो कवि ने क्या क्या फैक्ट्स ऐसे बताए हैं इसमें, वस्तुस्थिति का जो विवेचन किया है कवि ने। नंबर एक, बाग बगीचे हंस रहे हैं, क्यों? क्योंकि बगीचे में पेड़ों में पत्ते उग आए हैं, बाग में हरियाली उग आई है। ताल तालैया भी हंस रहे हैं, क्यों? इन छोटी मोटी वाटर बॉडीज में पानी भर गया है। और तरु गीत सुना रहे हैं, मतलब क्या है कि तरु के ये पेड़ों के जो पत्ते हैं उसमें जो हवा जाती है, उस हवा के साथ साथ वह पत्ते बचते हैं, कुछ ना कुछ गीत जैसा सुनाई देता है, ऐसा कवि ने कहा है। और एक फैक्ट क्या है कि जो हवा बहती है पवन, वो यहाँ से वहाँ ऐसी बहुत सारी चीजें उठाकर ले जाती है। तो इसे उठाकर ले जाने का उसका जो बिहेवियर है पवन का, उसको कवि ने कहा है उसने अपनी झोली खोली है। तो ये सब जो है ये न्यूज़ है, न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड। ये माटी को बोल रही है, कौन बोल रही है? सुगंध बोल रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि माटी यहाँ से वहाँ हिल नहीं सकती, सुगंध तो हिल सकती है, सुगंध तो जा सकती है यहाँ से वहाँ। तो दुनिया का अनुभव जो सुगंध को आया है वो माटी से बोल रही है, ऐसा इसका तात्पर्य है। आगे चलेंगे। सागर का जो था मनसूबा, सागर का जो था मनसूबा सफल हो गया। खुशियों की दुनिया में आकर, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। धरती ने श्रृंगार किया, धरती ने श्रृंगार किया, फिर माथे रोली, सुंदी सुंदी सी सुगंध माटी से बोली, सुंदी सुंदी सी सुगंध माटी से बोली। बादल बरस गया, बादल बरस गया, धरती ने आंखें खोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। तो सागर की जो, सागर मतलब समुद्र, उसकी जो इच्छा है वो पूरी हो गई है। तो उसकी क्या इच्छा है, सागर की इच्छा क्या है, सागर की क्या इच्छा हो सकती है? सागर को ऐसी इच्छा हो सकती है कि बहुत सारी नदियाँ मुझ में आकर मिले। तो ये वर्षा ऋतु है, नदियाँ बहुत पानी के साथ फूल गई है, और ये फूली हुई नदियाँ सागर को जाकर मिल रही है। तो कवि ने कहा है सागर की इच्छा सफल हो गई, सागर को इस बात की खुशी है। तो यह सागर की भी क्या करता है कि इस खुशी से सागर भी फूल रहा है। सागर स्वयं खो गया, इसका मतलब क्या है कि सागर के पानी से बादल बने, बादल से वर्षा हुई, वर्षा से नदियाँ फूल आई, और ये फूली हुई नदियाँ सागर को जाकर मिलती है। तो सागर स्वयं ही खो जाता है इस दुनिया में, खुशी भरी दुनिया में बादलों के रूप में सागर आता है,
बारिश के रूप में सागर आता है और वो उस दुनिया में खो जाता है, ऐसा कवि ने कहा है। फिर पूरी धरती सच उठती है, भिन्न भिन्न तरह के पेड़ पौधे उगने लगते हैं, रंग बिरंगे फूल, जैसे कि किसी सुहागन ने अपने माथे पर कुमकुम तिलक किया हो, उस तरह से धरती के माथे पर यह भिन्न भिन्न रंगों के फूलों का कुमकुम तिलक लग गया है। इस प्रकार का परिवर्तन पूरी सृष्टि में आ गया है, यह न्यूज़ दे रही है, सुगंध किसे दे रही है, माटी को दे रही है। आगे चलेंगे। पावस का मधुमास, पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता, सदा सदा से चलती आई, सदा सदा से चलती आई हसी ठिठोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया, बादल बरस गया, धरती ने आंखें खोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। तो ये जो पावस का महीना है, मतलब ये जो वर्षा का ऋतु है, मास मतलब महीना, लेकिन वर्षा एक महीने में ही होती है ऐसा नहीं, ये पूरा सीजन जो है उसको मधुमास कहा है। ये मधुमास का मतलब उसकी जो मधुरता है उसको ध्यान रखते हुए इस मास को मधुमास कहा है। मधुमास का मतलब ये जो श्रावण का महीना है वह मधुमास, और ये मधुमास आस बढ़ाता है, विश्वास भी बढ़ाता है। आस का मतलब है इच्छा, बहुत कुछ करने की इच्छा इस मधुमास में हो रही है, और जो कुछ सपने हैं खिल उठे हैं हृदय में, वह सपने पूरे हो गए ऐसा विश्वास भी यह बारिश का मौसम बढ़ाता है। जैसे किसानों को ऐसी इच्छा है कि बहुत सारे बीज बोए तो वो उग आए और उसका बहुत सारे फसल आगे तैयार हो, इस यह आस है किसानों की। उस आस के अनुसार उसका विश्वास बढ़ता है जब बारिश आता है, तो भिन्न भिन्न पंछियों की आस है, उनका वो ब्रीडिंग सीजन है, तो उनकी जो आस है, उनकी जो उमंग है, उनकी जो चाहत है, उसके अनुसार वह पूरा होने का विश्वास भी उनका बढ़ता है बारिश के मौसम में। ऐसे बहुत सारी चीजों की आस इस बारिश के मौसम में पूरी होने जा रही है, इसलिए आस विश्वास बढ़ाता मधुमास, ऐसा कवि ने कहा है। तो इस मधुमास के चरण पर, पद पर, ये अभी ये जो है उस इधर इधर दोनों अर्थ है इस पंक्ति के। नतमस्तक होकर मतलब अपना मस्तक झुकाए हुए, ये अचूक जो है यह डॉक्टर कृपा शंकर शर्मा का कवि के रूप में नाम है अचूक। तो ये जो कवि है अचूक, ये अपने मस्तक को, गर्दन को नीचे कर नम्रता पूर्वक ये जो पद लिखा है, उसने पद्य लिखा है, इस पद्य रूपी पुष्प
ये बारिश के मौसम के को समर्पित कर रहा है कवि, ऐसा एक मतलब हो सकता है। दूसरा मतलब ऐसा हो सकता है कि इस सृष्टि के पद पर, मतलब पैरों पर, यह कवि बराबर पैरों पर, अचूक मतलब बिना चूके, इन पैरों पर पुष्प समर्पित कर रहा है। लेकिन पहला जो मैंने बताया वह ज्यादा भावपूर्ण अर्थ है इसका, कि कवि अचूक, यह अचूक कवि का नाम है, और यह पद मतलब यह पूरी कविता जो लिखी है उसको पद कहेंगे। इस पद के रूप में यह पुष्प है, और यह किसके, यह किस किसको समर्पित कर रहा है, किसको चढ़ा रहा है? इस पावस के मधुमास को कवि यह पुष्प चढ़ा रहा है। और सदा सदा से चलती आई, हमेशा जो चलती है हंसी मजाक, यह खिल उठती है इस बारिश के मौसम में, पूरा मस्ती भरा, पूरा उत्साह भरा ऐसा मौसम है ये। और यह न्यूज़ दे रही है माटी को, क्योंकि बेचारी माटी एक ही जगह है। पूरे सृष्टि में जो परिवर्तन आया है, जो बदलाव हुए हैं, उन सब बदलावों का एहसास माटी को हो रहा है सिर्फ सुगंध के आने से और सुगंध के बोलने से, ऐसी कल्पना कवि ने करी है। तो हमने ये कविता गाकर गाने का प्रयास किया है, और उसका भावार्थ भी आपको कथन किया है। छात्रों से और अध्यापकों से जो कोई यह वीडियो देख रहे हैं, उनसे ऐसा अनुरोध है कि इस अर्थ को जानते हुए, इस अर्थ को समझते हुए आप इस कविता का पठन करें, यह कविता कंठस्थ करें, बिना देखे लिखें, लिखते समय उसका जो शुद्ध लेखन है वह संभाले, और उस कविता के भावार्थ से आप भी आनंदित हो जाए, आप में भी विश्वास बढ़े कि आपका हिंदी विषय जो है वह पढ़ने की आपकी जो इच्छा है वह सफल होगी इस पावस के मधुमास में। ऐसे शुभकामनाओं के साथ मैं यह वीडियो आपको समर्पित कर रहा हूँ। धन्यवाद।